हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं आपके लिए आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2019 के लिए करंट स्कैन, जो कि हिंदी में है। और यहां पर आज डेट है 20 अप्रैल 2019। तो आज हम यहां पे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर वन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन इनका सही है। पहला है यहां पे बिकतेवा घोषणा प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और खतरों को मान्यता देती है। देखिए, बिकतेवा घोषणा पत्र ये जो है, ये प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और खतरों को मान्यता देती है। तो ये पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील प्रशांत महासागरीय देशों ने ऑस्ट्रेलिया से 12 वर्षों के अंदर कोयले से बिजली उत्पादन का बहिष्कार करने और मौजूदा कोयला संयंत्रों या नए संयंत्रों के विस्तार को प्रतिबंधित करने का यहाँ पे आग्रह किया है। और बिकतेवा घोषणा जो है प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और खतरों की को मान्यता देती है, यानी संवेदनशीलता और खतरों को मान्यता देती है। ठीक है, यानी कि जो प्रशांत महासागर के आसपास के देश हैं, यानी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के जो आसपास के देश हैं, इन्होंने इस घोषणा पत्र ये तैयार किया है। और इसमें दिक्कत यहाँ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया जो है विगत 12 वर्षों से, क्योंकि वहाँ पे खनिज भंडार अच्छे खासे हैं, तो वो लोग कोयले से ज़्यादातर बिजली बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे प्रशांत महासागर है वो दूषित हो रहा है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में ये घोषणा पत्र है, बिकतेवा घोषणा पत्र। ठीक है, तो आप जान गए होंगे तो पहला वाला कथन सही है। सेकंड है बो घोषणा, BOE बो। देखिए, ये कोई गलत नहीं है, ये सही है, बो है, BOE, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, BOE बो घोषणा पत्र। बो घोषणा वर्ष 2000 की विकतेवा घोषणा की प्रतिबद्धताओं और सिद्धांतों को मान्यता देती है और उनकी पुष्टि करती है। देखिए, बो घोषणा जो है ये वर्ष 2000 की बिकतेवा घोषणा की प्रतिबद्धताओं और सिद्धांतों को मान्यता देती है और उनकी पुष्टि करती है। यानी कि यहाँ पर ये इन देशों के मध्य एक घोषणा और हुई थी पहले, यानी बो घोषणा, तो ये इस पत्र को, बिकतेवा जो घोषणा है, इसको पूरी तरह से मान्यता देने के लिए इसे इनकी प्रतिबद्धता और सिद्धांतों को ये भी मान्यता देती है, बो घोषणा। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 निम्नलिखित में से किन आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। देखिए, आर्टिकल 15 जो है, जिसमें भेदभाव, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें पूछा गया कौन कौन से विकल्प सही हैं। देखिए, इसमें मैंने बताया था धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। देखिए, यहाँ पे लिंग सही है, उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं, उम्र के आधार पर सही नहीं है इसमें, उम्र के आधार पर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यानी कि कुल मिलाकर इसमें 5 तरह के भेदभाव के आधार पर प्रतिबंधित है, 5 तरह के भेदभाव, जिसमें धर्म, ठीक है, यानी रिलीजन पहला है, धर्म से रिलेटेड लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, धर्म, ठीक है, ये धर्म ये पहले नंबर का है। उसके बाद है धर्म के बाद नस्ल, ठीक है, ये दूसरे नंबर का है, नस्ल ये सेकंड नंबर का है। फिर आता है लिंग आपका, ये लिंग तीसरे नंबर का है। जाति आता है चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर आता है जन्म स्थान। देखिए दोस्तों, PCS परीक्षा में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि हमारे जो अनुच्छेद 15 है इसमें कितने प्रकार के जो है प्रतिबंधों की बात की गई, भेदभाव के प्रतिबंधों की बात की गई है, तो इसमें 5 प्रकार के भेदभाव के प्रतिबंधों की बात की गई है। ठीक है, और इसमें धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान और जाति ये शामिल है। ठीक है, तो यहां पर आंसर है फिर आपका सी, यानी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्पेस शिप टू के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है इसे वर्जिन गैलेक्टिक द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, पहला वाला कथन सही है कि वर्जिन गैलेक्टिक का अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान से सफलतापूर्वक 50 मील की ऊंचाई पर पहुंच गया, इसे स्पेस 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकंड है इसका लक्ष्य जो है अंतरिक्ष पर्यटन को एक बड़े व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। देखिए, आपने देखा होगा काफी सारी मूवीज आप देख रहे होंगे, हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी, आप साईफाई, जिन्हें साईफाई बोलते हैं शॉर्ट में, साइंस फिक्शन मूवी को शॉर्ट में साईफाई बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिए।
तो ये साइंस फिक्शन मूवी देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि हमने फलानी जगह बस्ती बसानी है, तो यहाँ से स्पेसशिप भेजे जा रहे हैं, यानी शटल में लोग भर भर के जा रहे हैं वहां के लिए। तो इस तरह की अभी मतलब हम लोग तो इसके बारे में परिकल्पना हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी एक विकसित देश हैं, वो विकास सॉरी हम लोग अभी एक विकासशील देश हैं, यानी कि हम अभी विकासशील देश हैं और बोलो एक विकसित देश हो चुके हैं, तो वो मतलब वो सब चीजों से बाधाओं से मुक्त हैं। तो अब वो एडवांस यानी और यानी और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और अभी हम अपना प्रेजेंट सुधारने में लगे हैं। यही हमारे यहाँ में और उनके यहाँ पर अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दूसरा कथन सही है, तो यह आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जल संरक्षण शुल्क कंजर्वेशन फी वाटर कंजर्वेशन फी ये है क्या है? ये देखिए, ये जो है वाटर कंजर्वेशन फीस, ये जून 2019 से शुरू होने वाले भूजल निष्कर्षण के लिए उद्योगों द्वारा दिया जाने वाला शुल्क है। यानी कि अभी तक क्या था कि उद्योग धंधे जो थे कि जमीन से यानी कि ड्रिलिंग करके जमीन में ट्यूबवेल वगैरह लगा के अपने उद्योग के लिए जल निकाल रहे थे, उससे क्या हो रहा था, जल का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा था और जो भौम जल स्तर है वो भी नीचे जा रहा था कहीं ना कहीं। तो इस पर अब जो है अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने और भूमिगत जल निकालने के संबंध में वर्तमान दिशा निर्देशों में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण ने 12 दिसंबर 2018 को भूमिगत जल निकालने के लिए संदर्भ में दिशा निर्देश जो है अनुसूचित किए हैं, और ये दिशा निर्देश 1 जून 2019 से प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब इन्हें अगर भूजल निष्कर्षण इन्हें भू जल मतलब भूमि से अगर जल निकालना है और कितनी मात्रा में निकालना है उसके लिए गवर्नमेंट को इन्हें जवाबदेही देनी पड़ेगी और साथ ही साथ इन्हें शुल्क भी देना पड़ेगा। तो यहां पे पहला वाला कथन सही है, तो यहां आंसर है ए, चौथे का ए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है, यह दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया 1400 किलोमीटर का एक त्रिपक्षीय राजमार्ग है। देखिए पहला वाला कथन यह बिल्कुल सही है, भारत म्यांमार और थाईलैंड के मध्य त्रिपक्षीय यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे का लक्ष्य जो है वो है दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार को व्यापक बढ़ाना, और यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक अभिन्न हिस्सा भी है। ठीक है, सेकंड है, यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बात मैं बता चुका हूं। तो यह दोनों ही कथन सही है, तो यह आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इको निवास संहिता, इको से आप जान सकते हैं पर्यावरण से, पर्यावरण का वर्ड है इको, तो आप जानते ही होंगे इसे, इको निवास संहिता 2018 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है इको निवास संहिता से संबंधित। पहला है, यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। देखिए पहला वाला कथन गलत है, इको निवास संहिता जो है ये विद्युत मंत्रालय यानी विद्युत मंत्रालय जो है इसने रिहायशी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण इमारत कोड यानी इको निवास संहिता 2018 की पहल की है। किसने? विद्युत मंत्रालय ने। यह आप याद रखिए, ये विद्युत मंत्रालय ने पहले स्टार्ट की है ना कि इसने। तो पहला वाला कथन तो सरासर गलत है, ये विद्युत मंत्रालय की पहल है इको निवास संहिता, यानी कि इसमें रिहायशी इमारतों जो है उन्हें आपकी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि आपके जो न कभी कभी ना खत्म होने वाले रिसोर्स हैं उनके लिए हमें प्रमोट करना है, जैसे कि हमें सोलर पैनल्स लगाए जाएं जिससे कि नवीकरणीय जो जो स्रोत हैं यानी कि ऊर्जा के जो कभी ना खत्म होने वाले स्रोत हैं और जिनसे पर्यावरण को कोई हानि नहीं है तो उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। सेकेंड है, यह रिहायशी इमारतों के निर्माण एवं में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। देखिए इसका उद्देश्य ऐसे अपार्टमेंट और टाउनशिप का डिजाइन करना तैयार करना है और उनके निर्माण को बढ़ावा देना है जिसमें उनमें रहने वाले लोगों को ऊर्जा की बचत के लाभ दिए जा सकें और वो अपनी जो ऊर्जा है वहीं पे खुद जनरेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ सेकंड वाला कथन सही है, तो यहाँ आंसर है बी, केवल सेकंड। ये किसकी पहल है? ये नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नहीं बल्कि विद्युत मंत्रालय की पहल है इको निवास संहिता, ये आप याद रखिए। तो यहाँ छठवें का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, महिला किसान पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है, यानी महिला किसान पुरस्कारों का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? देखिए महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम एक रियलिटी शो है जिसकी शुरुआत संचार मंत्रालय के अधीन डीडी किसान चैनल ने की है। संचार मंत्रालय के अधीन आपने चैनल देखा होगा डीडी किसान,
इसने ये पुरस्कार शुरू किया है डीडी किसान ने, ठीक है, डीडी किसान चैनल ने शुरू किया है ये वाला पुरस्कार। और इसके जिस इस कार्यक्रम में देश भर की महिला किसान भाग लेंगी और यह महिला किसान किसानों के लिए मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने का एक मंच है जहां खेती में महिला किसानों की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। तो यहां पर डी वाला कथन सही है, यहां पर महिला किसानों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना है और उनकी उपलब्धियों को लोगों के सामने लेके आना है जिससे कि और भी महिलाएं जो है प्रोत्साहित हो सके, मोटिवेशन मिल सके उन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर बताइए कौन सा कथन सही है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 के संदर्भ में। पहला है, पहली बार अंग्रेजी भाषा में किसी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत के बाद से पहली बार जब यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के किसी लेखक को अब प्रदान किया गया है, तो यह पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, विक्रम सेठ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, सेकंड वाला गलत है, अमिताभ घोष को 2018 के यानी कि अमिताभ घोष को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 हेतु चुना गया है। ठीक है, अमिताभ घोष को आप याद रखिए नाम, अमिताभ घोष, ठीक है, इनका नाम है अमिताभ घोष, तो इन्हें जो है घोष, तो इन्हें ये 2018 का पुरस्कार ज्ञानपीठ दिया जाएगा, इनके लिए इन्हें इनको नॉमिनेट किया गया है। तो यहां पहला वाला कथन सही है, तो यहां आंसर है एक, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पुरस्कारों की कौन सी योजना को मेघदूत पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसमें से कौन सी योजना को मेघदूत पुरस्कार योजना के रूप में जाना जाता है। देखिए, यहां पर आधिकारिक काम के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डाक कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने हेतु, देखिए, डाक कर्मचारियों के उच्च पुरस्कार के प्रदर्शन को चिन्हित करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984 से मेघदूत पुरस्कार के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार योजना शुरू की गई है, यानी 1984 से ये डाक कर्मचारी जो हैं इन्हें प्रमोट करने के लिए, इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये 1984 से मेघदूत पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो यह पहला वाला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर बताइए कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, पहला है, इसका लक्ष्य विनिर्माण को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना तथा चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना है। देखिए, पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है कि चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद यानी नेशनल मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन काउंसिल NMDPC, एन मैं लिख दे रहा हूं कौन सी है, NMDPC, ठीक है, तो ये किसके तहत गठित की गई है, ये की गई है DIPP के तहत, ठीक है, इसका गठन करने की घोषणा की गई है NMDPC, ठीक है, सॉरी NM है, NM, ठीक है, तो पहला वाला कथन तो यहां बिल्कुल सही है। सेकंड है, यह चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी लाने में मदद करेगा। देखिए, इसका लक्ष्य जो है वो विनिर्माण को बढ़ावा देना है, निवेश को आकर्षित करना है और चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में निर्यात इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, यानी चिकित्सा के फील्ड में भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है चिकित्सीय उपकरणों के फील्ड में। तो यह चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में करीब 31,000 करोड़ रुपए के आयात यानी 31,000 करोड़ रुपए के आयात बिल में कमी लाने के लिए सहायक साबित होगी, क्योंकि जब इन्वेस्ट करेंगे तो 31,000 करोड़ रुपए का जो आयात है इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और निवेश बढ़ेगा। तो देखिए, दोनों ही कथन सही हैं, तो यह आंसर है सी, यानी एक और दो, दोनों।